गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उच्चतम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरी सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है, अब बच्चों के लिए लंच पैक कर दूंगी। बच्चे भी उठ चुके हैं और बच्चे अब स्कूल चले जाएंगे। गोलू और रुद्र भी निकल जाएंगे स्कूल के लिए, और मैं भी रक्षित को छोड़ने के बाद में, काम से फ्री होने के बाद में, मैं भी मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। आज वो अपनी मामी के साथ गया है। और यहाँ मैं मंदिर से आ गई थी और करीब 11 का टाइम हो रहा था, तो रुद्र को, सॉरी, गोलू को मतलब अगले दिन स्कूल के लिए इडली लेकर के जानी थी, तो बस वही मैंने इससे सूजी मंगाई थी और जो दही का पानी नहीं होता वो मंगा लिया था, तो वो उसमें मैंने फेंट करके रख दिया जिससे कि वो फूल जाए, क्योंकि जितनी अच्छी वो सूजी फूलेगी ना उतनी ही अच्छी इडली बनती है, सॉफ्ट बनती है, एकदम स्पंज वाली बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो उसमें मैंने ना सूजी में और मतलब सूजी डाल दी थी, नमक डाल दिया था, और मैंने जो पानी, जो दही, या दही फेंट के डाल दो या दही का पानी, एक ही बात है, पर खट्टा होना चाहिए। तो दही का पानी खट्टा होता तो मैंने वही डाल दिया था, तो फुलाने के लिए रख दी थी। शाम को इडली बनानी है। गोलू मैगी बना रहा था और यहाँ मम्मी कर रही थी अपनी कुछ ब्लाउज वगैरह ठीक कर रही थी, फिटिंग लगा रही थी, क्योंकि मम्मी के ब्लाउज ठीक मतलब थोड़े वो हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। और मैं रक्षित को स्कूल लेने के लिए चली गई थी। रक्षित को स्कूल लेने के बाद में मुझे आना था रुद्र के पैर की पट्टी कराने के लिए, क्योंकि रुद्र के पैर में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, को पैर को दिखाने के बाद में जब मैं घर आई थी, तो बस चाय वगैरह पीने के बाद में मैं अपना जो मेरा काम था, जो मैंने सुबह आज से वो सूजी भिगोई थी,
वो अच्छे से फूल गई थी, फेंट के रख दी थी मैंने, दो तीन बार इस तरीके से चमचे से फेंट दी थी, तो अच्छे से वो उसका जो इडली बनाने का जो होता है ना पेस्ट वो बन गया था। और अब मैं यहाँ इडली बना दूँगी जिससे कि गोलू लेकर के जाएगा, क्योंकि गोलू ने ही बनवाई है इडली इस वजह से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ इडली गोलू के लिए, और इडली बनाने के बाद में मैं थोड़ा सा ढोकला भी बनाऊँगी, क्योंकि उसे इडली और ढोकला दोनों ही लेकर के जाने हैं स्कूल के लिए। और जब तक गैस पर इडली रख दी है बनाने के लिए, जब तक मैंने कुकर रख दिया था इंडक्शन पर, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है आलू की, इनके लिए जीरे में, मतलब देसी घी में डाल करके, जीरे में और मतलब कि इसमें धनिया वगैरह सब कुछ, काली मिर्च वगैरह डाल करके, और पूड़ियाँ उनके लिए कुट्टू के आटे की जब भी बनाऊँगी, जब पति देव आ जाएंगे, तो मैंने इंडक्शन पर रख दी थी सब्ज़ी बनाने के लिए, गैस पर बना रही थी इडली, क्योंकि जो मेरा ये जो इडली बनाने वाला है ना, तो ये जो है ना गैस पर ही चल सकता है, इंडक्शन पर नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो है ना सिल्वर का है और इंडक्शन है ना बाकी के स्टील के सभी बर्तन उस पर हो जाते हैं, और मतलब सिल्वर के बर्तन नहीं हो पाते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप इडली है ना बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको है ना इसे निकाल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने है ना इसकी प्लेटों में है ना थोड़ा थोड़ा देसी घी है ना वो थोड़ा हल्का हल्का चम्मच से लगा दिया था, जिससे कि इडली अच्छे से आसानी से निकल जाए। और एक बार की मैंने निकाल करके वो मैंने रख दी है प्लेट में, और ये इस वाले डोंगे में रख दिए हैं, और मैंने दोबारा से उसे भर करके, इडली वाले जो सांचे हैं दोबारा से भर करके मैंने रख दिया है बनाने के लिए। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी स्पंज बनी हुई है ना, आपको मैं दबा करके भी दिखा रही हूँ। और सभी इडली अच्छी थी, हमारा तो व्रत है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का व्रत है पति पत्नी का, इस वजह से हमने तो टेस्ट नहीं करी थी, पर हाँ ये है कि नवरात्र के बाद में है ना मैं और बनाऊंगी। अभी तो मैंने आधी के जी सूजी की बनाई थी, और इस बार जब मैं नवरात्र के बाद में बनाऊंगी ना, तो मैं 1 kg से कम से कम 1 किलो सूजी का बनाऊंगी ऐसी इडली को, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, और जिसमें से कोलू को तो बहुत पसंद है, मतलब तीनों बच्चे खा लेते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? उषातन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए अंधेरा बहुत काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, और मेरी शाम की जोत बाती भी हो गई है, दीपक भी जला दिया है मैंने। और मैंने बनाई थी इडली, क्योंकि गोलू को कल इडली लेकर के जानी है, तो मैंने बनाई है। मेरा हमारा व्रत है तो हमने खाई नहीं है, पर हाँ बच्चे लेके जाएंगे, तो बहुत सॉफ्ट बनी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, दिखा बहुत सॉफ्ट बनी है। तो मैंने बनाई है इडली, और इसमें थोड़ा सा बनाया है ढोकला, थोड़ा सा मैंने ढोकला बनाया है इस तरीके से, और इसमें मैंने राई और इसका हरी मिर्ची डाल दी है साथ में, चीनी के साथ में, तो इस तरीके से मैंने ना थोड़ा सा पल्ली तरह भेजा था, यानी कि भाई के लिए, भाई मतलब भाभी का भी मिला था अरब के लिए, थोड़ा अरब खाने का, थोड़ा भाई खाने का, इस तरीके से। और बच्चों को खाना, झाड़ू पोछा मतलब पूरा हो गया है, और बच्चों को खाना मैंने बना करके खिला दिया है, प्लेट उधर ही रख दिया है, बच्चों को खाना मैंने बना करके खिला दिया है। और इनके लिए बनाऊंगी कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू बॉईल करके, और मैं जो है ना उसको काली मिर्च में मैंने सब्जी बना दी है, हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और आ जाएंगे जब कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाऊंगी। और मैं गई थी रुद्र को दिखाने के लिए, आज ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मैं गई थी रुद्र को दिखाने के लिए, उसके पैर में दोबारा से दर्द हो रहा था, जो मैंने बताई थी ना वो पैर में, पैर के तलवे में जो गांठ सी है वो गई थी दिखाने के लिए, क्योंकि वो बुलाया था 3-4 दिन बाद बुलाया था, पर जाना नहीं हो पाया था, फिर मैं आज लेकर के गई थी, और फिर दर्द भी हो रहा था उसकी इस वजह से, और उसे ना स्कूल में फीवर भी आ गया था, और उसने ना दवाई वगैरह स्कूल से ही, मेडिकल से ही, से स्कूल में मेडिकल है ना, मेडिकल रूम है, वहाँ से इसे दवाई दे दी थी, तो जब तो आराम मिल गया था फिर इसे आ गया था। और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, मौसम चेंज हो गया हो रहा है ना, हो भी गया है, इस वजह से बच्चों को बुखार और ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ना रुद्र को बोल रही थी, तीनों बच्चों को ही बोल रही थी, भाई ये मौसम ये नहीं है कि हाफ कपड़े पहन करके आप रहो, इसलिए आप फुल पहनो, लोवर पहनो, टी शर्ट पहनो, फुल स्लीव की ही पहनो कपड़े पूरे, तो ऐसा ना मच्छर वगैरह भी हो रहे हैं तो वो भी नहीं लगेंगे बच्चों के, तो इसलिए। अब रुद्र गया दूध लेने के लिए, और रुद्र ने भी खाना नहीं खाया है, मतलब तो बच्चों में से मैंने गोलू को और रक्षित को खिला दिया, रुद्र के लिए बना के रख दिया, शिम्बा को भी बना के खिला दिया है, और ये पति देव आ जाएंगे तो उनके लिए बनाऊंगी, आलू की सब्जी उनके लिए बना के रख दी है काली मिर्च के साथ में,
और कुटू का आटा, क्योंकि अभी तो गूंद के नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक मेरी कढ़ाई होगी जब तक मेरा कुटू का आटे का मतलब आटा गूंद जाएगा और जब मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी, तो उनके लिए जब भी बच्चों ने टी वी चला तो तभी मैं उनके लिए खाना बनाऊँगी। और जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मैं रुद्र को दिखाने के लिए गई थी, पहले तो मैं ना रक्षित को स्कूल से लेकर आई थी, जैसे स्कूल का बैग रखा रक्षित का, वैसे तुरंत रुद्र कहने लगा मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, और मुझे बोला भी था इसलिए मैं जा भी नहीं पाया हूँ, तो थोड़ा मेरा पैर भी दिखा लाओ। मैंने कहा चलो भाई, तो मैं ना पर ऐसे ही रक्षित को ऐसे ही छोड़ करके सिर्फ इसकी यूनिफॉर्म उतारी थी, बाकी का मैं ना अपना दुपट्टा ऐसे कैसे उठा करके फिर मैं इसे रक्षित को दिखाना सॉरी रुद्र को दिखाने के लिए चली गई थी। वहाँ से आई थी, वहाँ से आने के बाद मैं चाय वगैरह बनाई थी, तो आलू बॉयल करने के लिए रखे थे, जब से काम में लग रही इडली बनाई थी, बोलू कल स्कूल में इडली और ढोकला लेकर के जाएगा तो वो मैंने बना दिया है, तो उसका मन था, क्योंकि वो है ना सुबह तो मन नहीं बन पाती, टाइम लगता है काफ़ी इस वजह से, तो मैंने ना अभी बिल्कुल अभी बैठी हूँ झाड़ू पोछा करके पूजा जोतमाती करके शाम को बिल्कुल अभी बैठी हूँ, और अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, अभी दूध आएगा, दूध गर्म करने के लिए रखूँगी, और अभी पति देव के लिए आलू सॉरी खाना बनाऊंगी, आलू की सब्जी बना दी है बाहर रखा है, तो उनके लिए मैं आ जाएंगे जब भी पूड़ियाँ बनाऊंगी। अब मैं ना थोड़ा सा जल गई थी तो मैंने ना कोलगेट लगा दिया, मेरा खाना बनाने में है ना कुछ ज़्यादा ही जलती है, छान भी जल गया, जलन हो रही थी तो मैंने ना कोलगेट लगा दिया, कोलगेट से है ना छाला नहीं पड़ेगा। तो चलिए है ना आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना, पता नहीं चल पाती, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, पर थकान ना आज मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पर अभी 6:30 का टाइम हुआ है और 11 बजे से पहले मेरा सोने का नहीं रहेगा, क्योंकि अभी रक्षित को भी लेके बैठूंगी, जैसे ही खाना पीना खा करके बच्चे तो फ्री हो गए, रुद्र रह गया, जैसे हमारा खाना पीना हो जाएगा हस्बैंड वाइफ को दोनों का, उसके बाद में बर्तन वगैरह करने के बाद में मैं सबसे पहले रक्षित को लेके बैठूंगी, और 11:30 का टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, पता नहीं चलता, सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, इस वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज है ना मेरा भागा दौड़ी का काम ज़्यादा हुआ है, रक्षित को छोड़ना, इसको मतलब मंदिर जाना, मंदिर तो मैं डेली जाती हूँ मतलब स्कूल से लेकर आना, फिर रुद्र को वहाँ जो लेकर गई थी ना मैं दिखाने के लिए, उससे ज़्यादा मतलब मैं थकान हुई है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है ना, पसंद आई हो ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जो न्यू है सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।